नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। मोदी शंकर, मोदी शंकर, मोदी शंकर, मोदी शंकर, मोदी शंकर, मोदी शंकर। दहिसर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष हरीश शेट्टी के नेतृत्व में पार्टी के महिला और पुरुष कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित होकर भारत बंद के दौरान पदयात्रा करते हुए केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी किया। इस दौरान हरीश शेट्टी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे बड़ा पेट्रोल हमारी सरकार थी, 1-3 रुपए बैरल था, तभी पेट्रोल डीजल का भाव 56 रुपए थे, आज 70 रुपए बैरल रेट है। तो आप सोचिए पेट्रोल डीजल का भाव कितना होना चाहिए था, 30-35 रुपए होना चाहिए था। जीएसटी लाने के बाद में इन्होंने जीएसटी के अंदर लाने का छोड़ के पेट्रोल डीजल को इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है। क्यों? ये गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से लूटे जनता को, और ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, इतनी बेशर्मी तक कितने ये लोग हद तक गिर चुके हैं, अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं ना, उठे नहीं ठेवले महाराष्ट्र माता, फक्त मी बोलत नाही, कुठे नेऊन ठेवलंय महाराष्ट्र माझत नाही, कुठे नेऊन ठेवलंय मोदी जी तुम्ही भारत देशाला। अच्छे दिन बोल के जो सरकार सत्ता में आई थी, क्या इसी दिन को दिखाने के लिए? अच्छे दिन का उल्टा क्या होता है? वो दिखाने के लिए उन्होंने अच्छे दिन कहा है, तुम्हारे बुरे दिन चालू हुए लोगों के, जो हमको तुम लोगों ने जो विश्वास करके चुनके दिया है, तुम्हारे बुरे दिन चालू हुए, हमारे अच्छे दिन चालू हुए, ऐसे कहलाने के लिए। हमारे भ्रष्ट नेताओं के लिए अच्छे दिन चालू हुए, बीजेपी के नेताओं के लिए अच्छे दिन आए हैं। भारत देश की जनता के लिए या किसी भी आज छोटे से छोटे छोटे तबके के लोग और बड़े से बड़े बिल्डर लॉबी हो या इंडस्ट्रियल लॉबी हो या कोई भी लॉबी, आज कोई भी चुकी हो, एक इंसान बताइए, एक भी इंसान आज तक का इतिहास है, इनकी वजह से जो देश का नुकसान हुआ है, ये लोग कहते हैं 70 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया। सरकार बोल रही है जीएसटी नोटबंदी के बाद से आर्थिक स्थिति में सुधार आया, काफी परिवर्तन। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, यही तो इनका जुमला है। वो बोलते ना मराठी में, झूठ बोल को नीट बोल, ना छोटा बोला अपन रेटून बोलता बोला, इसी तरह से झूठ बोलते और एकदम सच्चे मौके, जैसे कि गुजरात में फटके गिरने के बाद में है, फिर भी बेशर्मों के जैसा लोगों के सामने आए। वो पप्पू, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करके टप्पू बजा, पप्पू ने बरोबर टप्पू बजाया, और पप्पू के साथ में पूरे देश के ऑपोजिशन पार्टी, एक भी पार्टी ऐसा नहीं होगा जो पप्पू के साथ में खड़ा है। सॉरी, मैं पप्पू लफ्ज इसलिए यूज करता हूँ, पप्पू का लफ्ज उन लोगों ने दिया है उनको, राहुल गांधी जी जिनका नाम सम्माननीय रूप से लेना चाहिए, आगे होने वाले देश के वो बड़े नेता है। और हमारे शरद चंद्र पवार साहब का आज उनके बदौलत आज सभी पार्टियां एकजुट होकर के इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। भारत देश बंद में हम लोग सभी जगह पर काम कर रहे हैं, हम लोग वो भी पीसफुल आंदोलन है। मैं आप मोदी जी आपको चेतावनी देता हूँ, अगर इसी तरह से अगर पेट्रोल डीजल का भाव अगर 90 या 100 रुपए तक गया, तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं किसी से पूछ के नहीं आया हूँ, किसी भी नेता से पूछ के नहीं आया, मैं अपनी निर्णय देता हूँ। जिस दिन 100 रुपए अगर इससे 90 रुपए तक आया, तो मैं खुद को पेट्रोल डालकर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, या तो पेट्रोल पंप पे ही जाऊँगा, पेट्रोल डालकर ही अपने आप को आग लगा दूंगा, या कहीं भी दिल्ली में जाऊंगा या महाराष्ट्र शासन में जाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, लेकिन इनको अपनी अवकाश दिखा के जाऊंगा, भले इसमें हमारी मौत भी हो जाए, ना अगर देश का अच्छा होता हो तो हम कुछ भी करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार बोल रही है हम जनहित में काम कर रहे हैं, जनता खुश है, विपक्ष सिर्फ झूठे आरोप लगा रहा है। शर्म आना चाहिए, देखिए ना, आप दिखाइए ना, कैमरा दिखाइए जरा, ये सामने से हमने कभी देखा, आपने कभी किसी को जबरदस्ती बंद किया, बंद करो भी नहीं बोला है।
बंद करो भी नहीं बोला, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग कितने नाराज हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है मोदी जी, आप हिटलरशाही बंद करो। वो अडानी अंबानी अभी रिलायंस का ही देखिए, रिलायंस का एक चोर का बड़ा चोर है अडानी है। आज वो अपने हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज रहे हैं। अडानी अंबानी और रामदेव वो चोर कंपनी लोग, वो लोगों को ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियां दे रहे, राफेल मुद्दा से लेके ईच एंड एवरी एजुकेशन मुद्दा हो, चिक्की घोटाला हो, राम कदम जैसा बेशरम आदमी जो महिलाओं का माँ बहनों का अपमान करने वाला हो, इन लोगों को क्लीन चिट देते, इनको जरा भी शर्म नहीं है। इनके घर में क्या माँ भाई बादल ही नहीं है। बीजेपी सरकार पेट्रोल डीजल के गैस के दाम घटाती नहीं है तो आगे क्या कदम होगा सरकार? फिर तो हमारे हाथ में भी नहीं रहेगा, हमको जो वहाँ से ऑर्डर मिलेगा जो भी करने को बोलेंगे पवार साहब, हम तो फिर जानते हैं 20 साल पहले भी हरीश शेट्टी कैसा था, आज भी 20 साल के बाद भी हरीश शेट्टी वही हरीश शेट्टी है, जो टोल नाका आंदोलन वाला हरीश शेट्टी आज भी वही हरीश शेट्टी है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी जितने भी जी न्यूज रोड सभी न्यूज वाले जानते हैं हरीश शेट्टी कौन है। आज भी वही हरीश शेट्टी, आज 50 साल का हो चुका है, तभी मैं 30 साल का था आंदोलन किया था टोल आंदोलन, आज भी वही हरीश शेट्टी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मोदी जी, अब भी सुधर जाओ, मौका है, वरना हमारे प्रकोप का इंतजार मत करना।